वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले दो तीन चीजें मुझे डिस्कस करनी है। एक ये कि हम लोगों ने दोबारा से वही वाला कर्टन यूज कर लिया, क्योंकि हम लोगों जो कल हम लोगों ने वीडियो में तो हम लोगों को खुद नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत ही लाइट हो गया था और हम लोग काफी यूज टू हो चुके हैं। उसमें मैंने बहुत मुश्किल से लाइट एडजस्ट की थी। ओ अच्छा, हाँ जी। और दूसरा हमसे पूछा जाता है क्या लाहौर में बहुत ज्यादा ठंड है। जी हाँ, अभी लाहौर में बहुत ज्यादा ठंड हो गई हुई है। और मौसम को पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि आज इसको क्या ऐसा मतलब हुआ है कि इसने मतलब स्वेटर उतार दिया। असल में आज जरा गैस हीटर ऑन था ना, तो जरा घर का जो तापमान है वो जरा नॉर्मल है। हाँ, तो इस वजह से जो है ना घर के अंदर जरा इस तरह घूम सकते हैं, बाहर अगर मैं जाऊं तो उसके लिए मैंने बकायदा जैकेट कोट जो मैंने कल पहना हुआ था, सर पे टोपी। तो बेचने वाला नहीं होता तो क्या करें, अपनी हिफाजत भी तो करनी है ना, गया फैशन बाढ़ में सर्दियों में अपने आप को कवर करना है। और फिर उसके अलावा परसों लाहौर में बारिश भी हुई थी तो काफी अच्छा मौसम हो गया। बिल्कुल। तो एनीवे ये तो हमारी इधर उधर की बातें थी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें पूछते हैं क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी हम बातों का जवाब भी दे देते हैं। खैर आज की वीडियो का टाइटल है, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है अमित त्रिवेदी साउंड ऑफ द नेशन परफॉर्मेंस एट स्टैग मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स। तो काफी टाइम वैसे हमारे व्यूअर्स हमें बोलते हैं, पता नहीं क्यों हम लोग इतना लेट करते हैं मौसम। ये आपको मालूम हो? आई डोंट नो, चीफ सिलेक्टर ये लेकिन उससे पहले इस चैनल का इस वीडियो का ओरिजिनली हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इसके अलावा आपको मैं दूसरे चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे ट्विटर का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और इसके अलावा हमारे चैनल पर ब्लॉग अपलोड हो चुका है, प्लीज उसको भी जाकर जरूर देखें। और इन्होंने इसका गलत टाइम लगाया था, दोपहर एक लगाना था, रात एक लगा दिया था, प्लीज जरूर देखेंगे। घर फिर दोस्त पर हुए जमीन हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो पर्शियन घर जन्नत है जमीन पे कहीं यहीं पर है हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो घर फिर दोस्त पर हुए जमीन हमी अस्तो हमी अस्तो घर जन्नत है जमीन पे कहीं यहीं पर है हमी अस्तो। कितना टिपिकल म्यूजिक है ना, कागज के दो पंख लेके थोड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मुंह माया नमक लगाए रे, के देखे न भले न जाने न दाए रे, दिशाहारा कैमन बोका मुंटा रे। प्राण पाखी मोर उइरा जाए खाचा भेंगे पीरित बड़ो जाला रे बड़ो जाला रे। प्राण पाखी मोर उइरा जाए राजस्थान लग रहा। हाँ केसरिया
निपंगा जी मैं कहन लगी हरे बड़े में जागी धोकनी चंदा में थाली चांदनी दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 हरे बड़े में जागी धोकनी चंदा में थाली चांदनी दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 मराठी आई गेस ओह लग रहा है यही बोल रहे आवाज़ चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवडला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग मंगल बनाई सपनों की डहरी पे दिल की बाजरे शहनाई 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 ओ हे शुभारम हो शुभारम मंगल बनाई सपनों की डहरी पे दिल की बाजरे शहनाई शहनाई हमको बोना है अशक मौत ससों की माल हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ हमको ढोना है शहनाई 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 रस रचियो सास सजियो शुभ घड़ी छे आवी अच्छा अच्छा टम टमा ता शमणा वो छे लावी ये कौन सी होगी पंजाब प्रेमम विकपम क्रिटिकल कंडीशन हे अर्थम क्विकपम हिलडुल सब शेकपम अमेजिंग फेस टू फेसम धरती पुत्रम टॉप टू बेसम काम सूत्रम Saizam thandaram, downam mandaram, saizam mataram, deepam mandaram, jumpingam, pumpingam, throbbingam, thumpingam. पंजाब अब पंजाब आया
लंदन टुमकदा तू हो गई वन टू टू ओ कुड़िए वन टू टू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी यार अंग्रेजी पढ़दी गिफ्ट तू करदी जिवें क्वीन साडी विक्टोरिया तू करदी बिग बैंग आगे बात करें आज के म्यूजिक की तो म्यूजिक ने जो है ना मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब स्कूल में जाता था तो वहां पे ना दो तीन लोग आए थे हाँ। तो इसी तरह ना मुंह से म्यूजिक बजा के ना बच्चों को हाँ एंटरटेन कर रहे थे तो मैं वैसे वो भूल गया हुआ था बात लेकिन आज जब मैंने ये वीडियो देखी है ना हाँ। तो मुझे वो याद आ गए और आज की वीडियो की जो सबसे खूबसूरती है ना वो आप बताएंगे कि सबसे खूबसूरती क्या थी इस वीडियो की उसमें के डिफरेंट जो कल्चर थे उनका फ्यूजन बनाकर सिंगर्स का कल्चर का वो दिखाया गया था और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। अच्छा मजे की चीज ये है कि जब स्टार्ट होता है ना तो वो कश्मीरी लैंग्वेज से आई गेस स्टार्ट होता है हाँ। तो मुझे लगा कि शायद पर्शियन है तो मैंने पता बीच में आपको तो समझ नहीं आई उस टाइम पर मैंने बोला पर्शियन है फिर आगे जब वो वर्ड्स बोलते गए ना तो मुझे समझ में आया कि हाँ वेल अमित त्रिवेदी की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं म्यूजिक कंपोजर हैं सिंगर हैं लिरिसिस्ट हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज का उन्होंने म्यूजिक भी दिया हुआ है जो है गाने भी दिए हुए हैं बिल्कुल तो जो सबसे अच्छी मैं जितने भी हमने निकाले वो हम दोनों की फेवरेट मूवीज हैं उनमें से कुछ हमने देख ली हुई है कुछ हमने नहीं देखी हुई और सबसे पहले जो है वो है वेकअप सीन जो बहुत पसंद है ये मूवी और इसे सॉन्ग भी फिर आयशा नो वन किल जेसिका ये मूवी बहुत अच्छी है मैंने ये तो मूवी वाकई बहुत अच्छी है एक मैं और एक तू करीना कपूर और इमरान खान की और उसके बाद ये भी मूवी बहुत अच्छी थी इसमें जो है मुझे अच्छी तरह याद है श्रीदेवी मैम जो थी उन्होंने काफी देर बाद कम बैक किया था तो इस मूवी से वो आई थी बहुत अच्छी मूवी थी अय्या मैंने भी नहीं देखा था लेकिन मुझे वो गाना ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशन बॉम्बे टॉकीज मैंने भी नहीं देखी उसके बाद आयशा मूवी वो मैंने बोल तो दिया पहले आयशा बोल दिया क्वीन मैंने देखी है बहुत क्वीन मैंने भी देखी है क्वीन का लंदन टू मकदा और उसकी स्टोरी भी वैसे बहुत अच्छी है फिर उसके बाद आती है शानदार जो के सच में बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं थी मैंने सिनेमा में जाके देखी थी म्यूजिक बहुत अच्छा था बट मूवी पता नहीं क्या थी आलिया भट्ट इतनी प्यारी उसमें लग रही थी पर समझ में नहीं आया मतलब स्टोरी क्या थी और उसके बाद उड़ता पंजाब ये मुझे बड़ा अच्छा है अच्छा ये जब जो हम लोगों ने वीडियो भी देखी उसमें भी जब उड़ता पंजाब वाला उसमें हाँ। पहली दफा किसी ने मतलब जैसे वो गाने बोलते हैं कुत्ता बोला तो अच्छा लगा अदरवाइज इतना वियर्ड साउंड करता है ना ये भी जो है एक उनका आर्ट है ना कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बोला कि सुनने वाले को अच्छा लग रहा है लेकिन ये कि डॉग इज माय फेवरेट पेट
मुझे बहुत पसंद है कि अगर मुझे कभी मौका मिले ना तो मैं एक कुत्ता रखूंगी घर में. कुत्ता रखूंगी. हाँ, और मौजम को ना बिल्लियां बहुत पसंद है. बिल्ली बिल्कुल. हाँ, बहुत पसंद है. और इसके अलावा डियर जिंदगी माय फेवरेट बहुत अच्छी मूवी है. म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. और उसमें जो है आलिया भट्ट वो जो है जिस तरह वो रहती है ना डिप्रेस रहती है. हाँ, तो बहुत सारे लोग आजकल वैसे हैं हमारे इर्द गिर्द. उसके बाद फितूर है, सीक्रेट सुपरस्टार, पैडमैन बहुत अच्छी है, फन्ने खान बहुत अच्छी है, मन मर्जियां मैंने नहीं देखी, अंधाधुन भी बहुत अच्छी है, हेलीकॉप्टर इला भी मैंने नहीं देखी, केदारनाथ, इसका हमने ट्रेलर भी देखा था, फिर इसका मिशन मंगल का भी हमने जो ट्रेलर देखा था. अच्छा। तो इसमें से कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनके ट्रेलर से हमने रिएक्शन भी किया हुआ है. और मजे की चीज ये है कि जितनी भी हम लोगों ने ये लिस्ट देखी है इसमें बहुत ही शानदार म्यूजिक दिया गया. हाँ, मतलब कहते हैं कि एक हिट म्यूजिक समझा जाता है. इसके अलावा कनाडा और तमिल मूवीज जो है उनका भी उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है. लेकिन करने लिए कनाडा नहीं होता, कन्नड़ मूवीज होती है. चले कन्नड़, सॉरी कन्नड़ मूवीज का. और मैं ही गलत हो जाए लेकिन लास्ट टाइम पर बोला तमिल मूवीज का भी उन्होंने जो है म्यूजिक दिया हुआ है लेकिन वो हमने मूवीज नहीं देखी इसलिए मैंने उनके नाम भी नहीं लिखे. देखी हो लेकिन हमें पता नहीं, यानी कि हमें नहीं ना उनका मालूम, इनका तो हमें मालूम है ना कि मूवीज आई हैं. वीडियो की तरफ मुझे सच में बहुत मजा आया. मतलब मुझे पता है कि लोग मुंह से म्यूजिक निकालते हैं और उसको पहले बचपन में तो नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर चीजों का पता लगना शुरू हुआ. और एकेपेला के बारे में मुझे पता चला, पाकिस्तान में भी स्ट्रेप्सिस एकेपेला है, वहां पर भी ऐसे वीडियोस आते रहते हैं. और हम लोगों ने एक वीडियो पर स्ट्रेप्सिस की टुनसी हैं जो सॉन्ग्स आते हैं उन पर हम लोगों ने रिएक्शन भी दिया है बिल्कुल स्टार्ट में. और इसमें जितने अच्छे तरीके से, मतलब एक जो सॉन्ग था उसमें तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं ऐसे कर रही थी, तूतनी की ना, वो तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुंह से निकाल रहे हैं. अच्छा, सिर्फ इसमें जो है वो एक जो गिटार टाइप थोड़ा वो होता है ना, जो एक ढोल का इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, एक गिटार और एक वो जो राजस्थानी में पता नहीं आया. हाँ, हाथों में नहीं, वो गिटार जो है वो गिटार नहीं था, उसका नाम कुछ और है. वो मोस्ट जो ट्रेडिशनल फोक गाने होते हैं ना उनमें वो इस्तेमाल किया जाता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो बाकी जितना भी म्यूजिक था वो सारा मुंह से था और मैं कहता हूँ कि बहुत मजा आया. मेरा ख्याल है मैंने आज तक कोई गाना इतना इंजॉय नहीं किया जितना आज मैंने ये गाया, सॉरी इंजॉय किया है. तो उसके अलावा गाने जितने भी वहां पे गाए गए, उड़ता पंजाब, ड्रीम हम, वेकअप हम, नोराइमा जी, सारा जी, सारा जी को, तो जितने भी गाने थे ना आज वो पुरानी यादों में ले गए जो हमने कभी पहले सुने थे. उसके बाद काफी अरसे बाद अब ये गाने मैंने सुने तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर. हाँ, मुझे ना गुजराती सॉन्ग था ना, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था. मौजा, अच्छा वो गुजराती सॉन्ग मैंने पहले नहीं सुना, वो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था. मुझे लेकिन ना मुझे वो समझ में नहीं आता कि वो बोलते क्या है, लेकिन ये कि मुझे वो इतना अच्छा लगता है क्योंकि शादियों पर ना अक्सर मुझे ऐसा लगता था, अभी जो लास्ट ईयर शादियां गुजरी तो हम लोग लुड्डी ही मतलब उसमें सोचा करते थे, मतलब उसकी थोड़ी ट्यून ऐसी एक गाना भी तो पिछले साल आया था जो सलमान खान के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी एक मूवी आई थी उसमें भी. हाँ बिल्कुल, वो भी जो है ना थोड़ा सा उसमें अगर देखा जाए गुजराती टच था उस गाने में, तो समझ आती थी. छुगाड़ा का मतलब क्या है वो नहीं हमें पता, लेकिन ये के समझ आता उसका तो मुझे एक वर्ड नहीं आता, मतलब गाना बहुत अच्छा गाना भी म्यूजिक उसका बहुत अच्छा था. और सीरियसली इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं ना जिनके फ्यूजन इतने अच्छे बने होते हैं, आप जितनी ऑडियंस ही वहां पर वो सारे कैसे एंजॉय कर रहे हैं. हम लोग बैठ के इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे ना कि मुझे ऐसा लगता है हमारी एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट होती जा रही है. लाइव होंगी उन्हें तो बहुत मजा आया होगा. और बाकी मैंने शुरू में बात किया कि बचपन में मैंने सुना था स्कूल में जब आए थे तो मेरी वो मेमोरीज जो है रिफ्रेश हो गई है. तो मैं ये सोचा कि मैंने इतना एंजॉय किया था तब, तो यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उन्होंने प्रोफेशनली कितना एंजॉय किया होगा. वैसे मौजूद ने कभी ये चीज मेरे साथ शेयर नहीं की, पहली दफा मुझे आज पता चला क्योंकि कभी इस टॉपिक पे मैंने बात ही नहीं की. वही तो कह रही, कभी इसे बताया नहीं कि मैंने कभी ऐसे कोई डिफरेंट सी चीज सुनी. लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगी कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लाइव इस तरह की एक परफॉर्मेंस देना, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भूल ही गए डिस्कस करना कि लाइक उसमें तुम्हें क्या लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग जितने भी सिंगर्स थे उनमें से एक चीज बहुत स्पेशल
थी। मुझे तो वैसे सारे ही इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन मुझे पता चल गया आप सीनियर सिंगर जो हैं उनकी बात कर रही हैं, जिन्होंने मराठी वाला गाना गाया था नोराई मजी और इंग्लिश इंग्लिश का वो गाना था। बिल्कुल, और मतलब इस एज में इतनी अच्छी आवाज, बिल्कुल वाकई में, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना। एनीवे मतलब सबको बहुत क्रेडिट जाता है, अमित त्रिवेदी को भी बहुत जाता है। और सबसे हैरत की बात ये है कि मतलब मुझे बताया कि ही इज 40, तो मतलब वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, मतलब इतने यंग लगते हैं। सीरियसली सच बता रही हूँ कि आप मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा ऐसी लुक आ जाती है, और गुजराती हैं वैसे भी वो। अच्छा, वो भी गुजराती हैं। एनीवे ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। हमें तो सच में बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, और इसी के साथ हमें चैनल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन। गुड बाय।